नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं, आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं, 72 घंटे में अगर वो कोई एक्शन लेता है तो क्या एक्शन हो सकता है, और 72 घंटे के लिए यूनिवर्स आपसे क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो इसको जनरल तरीके से लीजिएगा, जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कॉमेंट करना भी ना भूलिए। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है 72 घंटे में। ये रीडिंग आप 72 घंटे के लिए खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। जब भी आप देखोगे 72 घंटे में ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर सकते हो। डेथ, जजमेंट, हाई प्रिस्टेस। कहीं ना कहीं आपके जो पर्सन है वो कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई भी राशि के हो, लेकिन मेजर अर्कना के 3 3 कार्ड आए हैं। आपके जो पर्सन है वो परेशानी को खत्म करना चाहते हैं। डेथ के कार्ड, डेथ के बाद हमेशा नई शुरुआत होता है, तो ये जजमेंट का कार्ड भी आया है। तो इन 72 घंटे में उनका सोच ऐसा रहेगा कि जो भी हुआ है उसे भूल जाए, जो भी तकलीफ, जो भी दर्द, जो भी परेशानी उनको मिला है, या तो आपकी वजह से मिला है या फिर उनकी खुद की वजह से मिला है, लेकिन रिश्ते में तो मिला है, उस चीज को खत्म किया जाए और नई शुरुआत किया जाए। यूनिवर्स से प्रेयर करेंगे ये कि रिश्ते को एक नया शुरुआत दे दिया जाए, रिश्ते में जो परेशानी थी उसे खत्म किया जाए और रिश्ते को नई शुरुआत किया जाए। सूझबूझ और समझदारी के साथ ये एक सॉलिड डिसीजन लेने के बारे में सोचेंगे, रिश्ते को दोबारा मौका देने के बारे में सोचेंगे, रिकॉन्सिलेशन के बारे में सोचेंगे। जो भी रिश्ता हो सकता है आपकी नज़र में ख़त्म हो गया है या फिर उनकी नज़र में जो भी रिश्ता ख़त्म है उसी रिश्ते को ये दोबारा से पाने की जो प्रेयर है वो यूनिवर्स से करेंगे, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल भी करेंगे, रिश्ते के बारे में ये दोबारा से सोचेंगे, सही गलत हर पहलू से रिश्ते को ये देखेंगे। और इनको ये भी पता है कि कोई अभी जो उनका जो स्थिति है इतना ये मैच्योर हो चुके हैं कि कोई भी आके इनको कुछ भी समझा के नहीं जा सकता, जो उनको सही लगेगा ये वही करेंगे, चाहे कोई भी इनको कुछ भी कह दे ये किसी की बात नहीं मानेंगे। उनको ये जब उनको लगेगा कि ये सही है वही ये करेंगे। इतनी समझदारी ये रिश्ते में कम से कम इन 72 घंटे में दिखाने की कोशिश ये जरूर करेंगे। अभी हम देखेंगे आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है। आपकी खुद की करंट फीलिंग्स क्या हो सकता है देख लेते हैं। ऑफ सोर्स, जस्टिस,
एस ऑफ सोर्स, इन 72 घंटे में आपकी एक अलग तरीके का सोच रहेगा। आप ये सोचोगे कि मुझे क्या करना चाहिए, ये आप डिसाइड नहीं कर पाओगे, आप इनडिसाइसिव रहोगे। कहीं कहीं आपको लगेगा कि आपके साथ तो जस्टिस नहीं हुआ, आपके साथ तो वो जो आपको मिलना था वो नहीं मिला, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को आप फिर से दोबारा से सोचोगे, आपके पास क्लैरिटी आएगी, बहुत सोच में आपकी क्लैरिटी जो नहीं था, अगर आप पहले इनडिसाइसिव थे तो अभी आप अपनी सोच में क्लैरिटी ला पाओगे। आपको लगेगा कि आपके साथ जस्टिस होना चाहिए, आपके साथ इनजस्टिस हुआ है, तो फिर आप रिश्ते के बारे में एक्शन लेने के बारे में भी सोच सकते हो। कुछ देर के लिए आपको ये लगेगा मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा इनजस्टिस हुआ है, लेकिन उसके बाद ही आपको ये लगेगा कि मुझे रिश्ते की क्लैरिटी को देखना है। पूरी तरीके से रिश्ते की क्लैरिटी अगर आपको मालूम चल जाता है, तब जाके आपको लगेगा नहीं मेरे साथ जस्टिस होना चाहिए। अगर मेरे साथ जस्टिस होता है तो सही है, वरना मैं अपने लिए जस्टिस की मांग जरूर करूंगी, ऐसा आपको लगेगा। पहले आप इनडिसाइसिव रहोगे क्या करें, रिश्ते में आए या ना आए, लेकिन जब आपको ये लगेगा कि मुझे सब क्लियर है मेरे आंखों के सामने, तब आपको लगेगा हाँ मेरे साथ जस्टिस हो रहा है, यही मेरे लिए जस्टिस है। अभी देखेंगे कि ये खुद से क्या एक्शन लेंगे। रिकॉन्सिलेशन तो चाहते हैं, जस्टिस आप भी चाहते हो, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। इन 72 घंटे में अगर मैं कहूँ कि ये बंदा क्या एक्शन लेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन करेंगे, हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करेंगे, क्योंकि ये बंदा या बंदी जो भी है 24/7 ये रिश्ता उनके दिमाग से बाहर ही नहीं होता है, ये हमेशा खुद को इस रिश्ते में बंधा हुआ जकड़ा हुआ पाते हैं। साथ ही साथ ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में भी बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको कम से कम फिनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी तरीके से मिल जाए, अपनी पोस्ट की अपनी पोजीशन के बारे में ये सोचेंगे और ये सारी बातें ये आपसे क्लियर करेंगे। इनको ये पता है कि रिश्ते की परेशानी किस वजह से है, ये आपको उस बात का जो क्लैरिटी है वो देंगे कि इन्होंने क्यों आपके साथ ऐसा किया, क्यों इस रिश्ते में ये परेशानी आई, किस वजह से रिश्ता परेशानी में गया है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड भी आया है तो रिश्ते में तो इनजस्टिस हुआ तो है ही किसी के साथ। ये पर्सन आपको उन सारी बातों की क्लैरिटी देंगे और ये कहेंगे कि ये कभी भी खुद को इस रिश्ते से बाहर नहीं देखते हैं, हमेशा 24/7 ये खुद इस रिश्ते में बंधा हुआ खुद को पाते हैं, लेकिन इनकी मजबूरी थी, इसकी वजह से ये रिश्ता खराब हुआ है। साथ ही साथ इनको अपनी काम की अपनी पोस्ट की अपनी पोजीशन को भी संभालना है, उस बात की क्लैरिटी भी ये आपको जरूर देंगे। अभी हम देखेंगे कि अगर रिश्ते की हालत ऐसी है तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ वंड्स, जस्टिस, जस्टिस का कार्ड दो दो बार आया है। जस्टिस मिलने की उम्मीद तो है, लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि आपको जस्टिस सही तरीके से मिल रहा है, ये आपको सोचना पड़ेगा। अगर इन रिश्ते से आपको जस्टिस मिल रहा है तो आपको उसको एक्सेप्ट करना है। अगर आपको लग रहा है कि जस्टिस मिलने में अभी भी वक्त है, आपको इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको जिस तरीके का जस्टिस आप चाह रहे थे उस तरीके का नहीं मिल रहा है, तो आपको अपने लिए और थोड़ा वक्त ले लेना चाहिए। क्योंकि आपको अगर इंतज़ार करना पड़ रहा है, आपको उस तरीके का जस्टिस नहीं मिल रहा है जिस तरीके का आप सोच रहे हो, तो उसका मतलब वक्त नहीं आया है अभी, तो आप अपने लिए वक्त ले सकते हो। जो भी डिसीजन लेना है आपको सोच समझ के लेना है और अपनी दिमाग का, बुद्धि का इस्तेमाल करना है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।